कल के वीडियो में आपने देखा कि जो पटौदी रोड वाला इंटरसेक्शन है वहां से लेकर जो ये स्टील वाला ब्रिज वाला सेक्शन है ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास, वहां पे ब्लैक टॉप का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और एक स्पैन बचा है मेन कैरिजवे का, जो कि जो स्टील वाला ब्रिज है ठीक उसके नीचे है, यानी इस सेक्शन से नीचे है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर का पूरा इंटरसेक्शन है, ये वाला इंटरसेक्शन और साथ में ये वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का क्या काम चल रहा है, कब से ये जो सेक्शन है इसको ओपन कर दिया जाएगा पब्लिक के लिए, ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर, अगर आप यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जाते हैं, तो ये पूरा जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है जिसमें आज तक मैंने आपको जो भी वर्चुअल टूर दिया है, उस वर्चुअल टूर में आपने हमेशा कॉन्क्रीट देखा है, आपने सीमेंट वाला रास्ता देखा है, उसमें ब्लैक टॉप किया हुआ रास्ता नहीं देखा है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है उसमें कितना रास्ता ब्लैक टॉप हो गया है और कितना रास्ता अभी ब्लैक टॉप होने से बचा है और कितना सेगमेंट का काम अभी बचा है एलिवेटेड रास्ते के ट्रम्पेट फ्लाईओवर का, वो आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ नीचे जो अंडरपास है उसमें फिनिशिंग का क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ ये वाला जो सेक्शन है इसमें एलिवेटेड रास्ते में क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। इस पोर्शन से ट्रम्पेट फ्लाईओवर के इस पोर्शन से आपको पूरा एक वर्चुअल टूर देता हुआ यहाँ से मैं आपको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ से यहाँ से आगे लेकर चलूँगा और फिर यहाँ से वापस लेकर आऊँगा और ये पूरा सेक्शन जो है यहाँ पे क्या काम चल रहा है वो सब कुछ दिखाऊँगा। थोड़ा सा आपको लोकेशन भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये सेक्टर 36A है, ये सेक्टर 88 है और ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 84 है। ये इस साल का आखिरी वीडियो है और बहुत ही पॉजिटिव वीडियो होगा आप सबके लिए। आप सबने मुझे मेरे रियल स्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ, ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिए का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मुझे उनके इन एंड आउट पता है, उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर, मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल स्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल स्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। देखिए, पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो आपको मैंने बनाकर दिखाया था इस जगह से। ये जो आपको स्टील का ब्रिज दिख रहा है सामने, इस स्टील ब्रिज के दूसरे तरफ से बनाकर दिखाया था जहाँ पे ब्लैक टॉप का काम चल रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर को जोड़ने वाला स्पैन का काम चल रहा है उसमें अब सिर्फ एक ही स्पैन का काम बचा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियोस को जब मैंने यहाँ पे कवर किया था कि इस ड्यूरेशन तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे अब सिर्फ एक स्पैन का काम बचा हुआ है। और ये आप मानिए कि नेक्स्ट 4 to 5 days में ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं इस पे भी सेगमेंट लगाकर इस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा और फिर लॉन्चर को यहाँ से हटा दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर के वर्चुअल टूर पे भी लेकर चलूँगा। पहले आप ये स्टील ब्रिज देख लीजिए थोड़े और अच्छे से। देखिए, यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे इस जगह पे, देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो नीचे सिर्फ एक स्पैन यहाँ पे बचा हुआ है स्टील ब्रिज के नीचे। और ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ट्रम्पेट फ्लाईओवर का जिसमें ये ब्लू वाला लॉन्चर लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्पैन बचा हुआ है। ये दोनों ही
ऊपर वाला स्पैन तो आप मानिए कि नेक्स्ट 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं। नीचे वाला जो स्पैन आपको दिख रहा है अंडर स्लम के थ्रू जो लग रहा है, ये आप मान कर चलिए कि 10th of June नीचे स्पैन लगाने का काम चल रहा है, इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इसके कंप्लीट होते ही जो पैकेज 4 में एलिवेटेड रास्ते का काम है, उसमें जो बीच वाला जो फ्लाईओवर है, मतलब जो बीच का जो सेक्शन है जो आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, ये काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा एक्सेप्ट क्लोवरलीफ फ्लाईओवर। क्लोवरलीफ फ्लाईओवर को भी जोड़ दिया गया है, वहाँ पे छोटा मोटा काम चल रहा है, तो वहाँ पे जो काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पे इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो दो जो ये दो स्पैन है ये नेक्स्ट 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे विंग्स लगाने वाला काम जो बचा हुआ है, ज़्यादा स्पैन में विंग्स लगाने का काम नहीं बचा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप सामने यहाँ पे देखें तो 4 स्पैन जो है, एक बिल्कुल ये एंड वाला, ये एंड वाला ये स्पैन, इसमें विंग लगाने का काम बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इस वाले स्पैन में विंग लगाने का काम बचा हुआ होगा। इसके बाद ये जो पिलर आपको सामने दिख रहा है, इसके लेफ्ट और राइट में विंग लगाने का काम यहाँ पे बचा हुआ है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे टर्न करूँगा तो यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि विंग्स लगाने वाला ट्रॉली जो है वो नीचे रखा हुआ है। अब ये जो ट्रॉली आपको नीचे रखा हुआ दिख रहा है, इससे विंग्स लगाया जा रहा है। तो ये ट्रॉली जो है ये इस तरफ मूव करेगी यहाँ से आगे की तरफ। और ये आप मान कर चलिए कि जो विंग्स लगाने वाला काम है, ये आप मानिए कि मिड से लेकर जनवरी एंड, मतलब जनवरी 2023 एंड तक ये सारा काम कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहाँ से अगर मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखाऊं, आगे की तरफ दिखाता हूँ, यहाँ से ड्रोन को थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ, ये वाला सेक्शन देखिए जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर, अभी मैं आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर का वर्चुअल टूर भी दूंगा। और एक अच्छी चीज़ जो है वो ट्रम्पेट फ्लाईओवर जो है वो पूरा का पूरा ट्रम्पेट फ्लाईओवर जो है वो ब्लैक टॉप हो चुका है। बट उस ब्लैक टॉप वाले सेक्शन में ले जाने से पहले मैं आपको ये वाला हिस्सा पहले दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे शीट्स लगने शुरू हो गए हैं। अगर आपको ध्यान होगा जो इससे पिछला वीडियो बनाया था उसमें फ्रेमवर्क किया जा रहा था, अब यहाँ पे शीट्स लगनी शुरू हो गई हैं इस सेक्शन में। मैं आपको थोड़ा नीचे से दिखाता हूँ ये वाला सेक्शन। हम फ्लाईओवर के नीचे से चलते हैं, ये ऊपर वाला ट्रम्पेट फ्लाईओवर था, हम इस फ्लाईओवर से नीचे से क्रॉस करते हैं और विंग्स का जो काम है वो भी आपको दिखाता हूँ। और जो यहाँ पे शीट्स लगी हैं वो शीट्स का कितना काम बचा हुआ है वो भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो शीट्स लगाई गई हैं इस जगह पे, देखिए तो ये अंडरपास जो है ये आपको मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर यानी मानेसर की तरफ से जोड़ देगा द्वारका एक्सप्रेस को, और यहीं से आप आना जाना करेंगे अगर आपको क्लोवर लीफ की तरफ जाना है या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की तरफ जाना है या SPR की तरफ जाना है। तो शीट्स लगाने वाला जो काम है यहाँ पे, देखिए इतना ही काम अभी तक पूरा हुआ है। ये भी आप मानकर चलिए कि जो शीट लगाने वाला काम है मिड जनवरी 2023 तक इस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं आपको आगे लेकर जाऊँ, देखिए जैसे मैं यहाँ से आपको आगे लेकर जाऊँगा, यहाँ पे आप देखें तो लेफ़्ट वाला जो रास्ता है, इससे जो गुड़गांव की ट्रैफिक है, न्यू गुड़गांव की ट्रैफिक, वो NH 8 की तरफ जाएगी, क्लोवर लीफ की तरफ जाएगी। और ये जो राइट वाला रास्ता है इसके ऊपर भी अभी ऐसे ही ऊपर फ्रेम्स लगेंगे, और फ्रेम्स लगाने के बाद वहाँ पे शीट लगाया जाएगा, वो काम अभी यहाँ पे हुआ नहीं है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, वो ट्रम्पेट फ्लाईओवर के ऊपर ब्लैक टॉप हो गया, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा लुक एंड फील जो है ना यहाँ का दे देता हूँ। देखिए ये वाला जो रास्ता है इसको आगे रैम्प के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ट्रॉली के थ्रू विंग्स लगाया गया है, यहाँ पे स्ट्रेसिंग का काम अभी विंग्स में नहीं हुआ है, वो स्ट्रेसिंग का काम होना है, उसके विंग्स को जोड़ना भी है। यहाँ पे आप देखें, देखिए इस वाले सेक्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे पिछले वाले सेक्शन में 4 जगह विंग लगाने का काम बचा हुआ था, इस वाले सेक्शन में भी 3 स्पैन में विंग लगाने का काम बचा हुआ है। तो टोटल यहाँ पे इस सेक्शन में 7 जगह जो है वो विंग्स लगाने का काम बचा हुआ है। एलिवेटेड रास्ता जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो बीच वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं, एक ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला बचा हुआ है और एक आपका जो मेन कैरिजवे है स्टील ब्रिज के नीचे वाला वो बचा हुआ है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो आप सेक्टर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है ये सेक्टर 36A है। और यहाँ से जो पीछे का सेक्टर आपको दिख रहा है, जो बाउंड्री वॉल्स आपको दिख रही हैं उसके पीछे का सेक्टर जो आपको दिख रहा है इस जगह पे, वहाँ पे ग्लोबल सिटी आएगा। तो देखिए अगर आप क्लोवर लीफ के फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे होंगे और अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना होगा तो आप ये जो नीचे वाला आपको फ्लाईओवर दिख रहा है मेन कैरिजवे, इसी की तरफ से आप आगे जाएंगे और स्टील वाला जो ब्रिज दिख रहा है आपको आगे, स्टील ब्रिज के नीचे से आप क्रॉस कर जाएंगे। और उसी तरह अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जाना है या गोल्फ कोर्स रोड की तरफ जाना है, तो आप इसी स्टील ब्रिज के नीचे से राइट वाला जो सेक्शन है वहाँ से जाएंगे।
अब मैं आपको ये जो आपको ब्लू वाला लॉन्चर दिख रहा है, इस लॉन्चर से हम शुरू करते हैं और इस लॉन्चर से शुरू करके मैं आपको पूरे ट्रम्पेट फ्लाईओवर के ऊपर एक वर्चुअल ड्राइव दूंगा और जो जो काम यहाँ पे बचा हुआ है वो सब काम आपको दिखाने वाला हूँ। पहले ड्रोन को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, अगर मैं आपको कहीं दिख रहा हूँ तो मुझे बताइएगा। बाय द वे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो न्यू ईयर आ गया होगा, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अब तो मैं आपको दिखे जाऊँगा, तो फिलहाल देखिए यहाँ से ऊपर लेकर चलता हूँ आपको। ये जो रास्ता है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 84 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 88 है। यहाँ इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूँ तो देखिए ट्रम्पेट फ्लाईओवर में लॉन्चर लगाने का काम यहीं से किया जा रहा है। यहाँ से एक ऊपर से आपको व्यू दिखा देता हूँ और फिर हम एक ड्राइव पे चलेंगे ट्रम्पेट फ्लाईओवर के। देखिए ये लास्ट पैन यहाँ पे बचा हुआ है और सामने जो है वो स्टील ब्रिज है यहाँ पे, और इसी के स्टील ब्रिज के पीछे जो है वो ब्लैक टॉप का काम चल रहा है। जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाला सेक्शन है वो आप मानकर चलिए कि नेक्स्ट 10 डेज़ के बाद इस पर भी ब्लैक टॉप का काम, ये जो सेक्शन बचा हुआ है इस पर भी ब्लैक टॉप का काम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर वाले सेक्शन में लेकर चलूँगा, यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ूंगा। मान लीजिए कि आप पटौदी रोड की तरफ से ड्राइव करते हुए आ रहे हैं, इस तरफ से आप ड्राइव करते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे इस सेक्शन में आप ऐसे जाएंगे। ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं मैं इसी हिस्से पे आपको ड्राइव करके ले जाऊंगा। ये देखिए ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पे बन गया। नीचे आप अगर आप देखेंगे तो ये वाला सेक्शन जो ये ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ब्लैक टॉप का काम यहाँ पे शुरू होगा और ये जनवरी 2023 तक इस ब्लैक टॉप के काम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब देखिए अगर आप ड्राइव करके आ रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बैरिकेटिंग को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है, बना दिया गया है। ये जो हिस्सा है यहाँ से आप देखेंगे तो ब्लैक टॉप का काम भी कंप्लीट कर दिया गया है। अभी मैं आपको यहाँ से भी आगे लेकर चलूँगा, हमारे स्पाइडरमैन, ही मैन, सुपरमैन आपको दिखेंगे यहाँ पे काम करते हुए। एक्सपेंशन जॉइंट को यहाँ पे जॉइन किया जा रहा है और फ्रेम्स को लगाया जा रहा है इस जगह पे। अगर आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रोन रोकता हूँ, यहाँ पे फ्रेम्स को लगाया जा रहा है। ये फ्रेम्स के थ्रू जो नॉइज़ बैरियर्स हैं उनको प्लेस किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे नॉइज़ बैरियर के फ्रेम्स को लगा दिया गया है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है उसमें अभी प्लेस कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट हो गया है उसका काम भी। अब यहाँ से मैं जैसे जैसे आगे जाऊँगा तो आपको दिखेगा कि ब्लैक टॉप का काम कितना यहाँ पे हो गया और कितना काम यहाँ पे बचा हुआ है। ये देखिए, तो इमेजिन कीजिए कि आप पटौदी रोड के इंटरसेक्शन की तरफ से आ रहे हैं और आपने ट्रम्पेट फ्लाईओवर ले लिया यहाँ पे, तो ये पूरा सेक्शन है। यहाँ पे बाउंड्री वॉल को ब्लैक और वाइट कलर से डीमार्क कर दिया गया है, लेकिन जो लेन्स की डीमार्केशन है वो लेन्स वाली डीमार्केशन हुई नहीं है। ये 3 लेन का ट्रम्पेट फ्लाईओवर होगा। देखिए तो आप देखेंगे तो फ्रेम्स जो है ऑलमोस्ट फ्रेम्स का काम हो गया है। ये इस जगह पे जो है एक्सपेंशन जॉइंट को आपस में प्लेस किया जा रहा है और यहाँ पे आप देखिए, तो इसी डायरेक्शन में आप गाड़ी चलाकर मूव करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये कर्व हो रहा है पूरा, ऊपर आपको हाई टेंशन टावर्स भी मिलेंगे। बहुत मेहनत किया था मैंने इन हाई टेंशन टावर्स को यहाँ से शिफ्ट कराने के लिए, काफ़ी टाइम भी लगा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एक सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी बैरिकेटिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट 10 डेज़ में ये बैरिकेटिंग वाला काम भी इस जगह पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से आप देखिए नीचे गाड़ी भी आपको दिख रही होगी चलती हुई, तो इस तरीके से आप ऊपर से क्रॉस करेंगे। बहुत खूबसूरत होने वाला है ये ट्रम्पेट फ्लाईओवर, जब इसमें लाइटिंग्स वाइटिंग्स लग जाएंगी बहुत सुंदर लगेगा ये। और ट्रम्पेट फ्लाईओवर के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे जैसे आप मुड़ रहे हैं और यहाँ से आप मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर में जाकर जुड़ेंगे आगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्लैक टॉप का काम भी चल रहा है। देखिए इस पोर्शन में देखिए ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, ये लास्ट पोर्शन है। इसी के आगे जब आप जाते हैं तो ऊपर वाला जो सेक्शन जहाँ से मैंने शुरू किया था इसी सेक्शन से शुरू किया था, यहाँ से आप नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद इस रास्ते को आप क्रॉस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो रास्ता है ये अभी प्रॉपरली ब्लैक टॉप नहीं हुआ है, बट नेक्स्ट 2 डेज़ में ये पूरा सेक्शन जो है, मतलब न्यू ईयर आते आते ये जो पूरा सेक्शन है इसको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। इसमें जो भी काम पेंडिंग है उन काम को पूरा करके इसको ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। और अब इस समय सेक्टर 84 जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेक्टर 88 है, और मैं यहाँ से अगर स्ट्रेट चले जाऊँ तो मैं यहाँ से मानेसर की तरफ चले जाऊँगा।
और जो भी न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स हैं उन सेक्टर का जो मेन रोड है वो यही होगा। तो यहाँ पे तीन रोड होंगे, एक तो NH 48 होगा जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा, बीच में ये रोड होगा जो मानेसर को कनेक्ट करेगी, और उसके बाद पटौदी रोड जो पुराना वाला अलाइनमेंट है पटौदी रोड का वो वाला इंटरसेक्शन होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रैंप है धीरे धीरे करके नीचे आएगा, ये देखिए, और नीचे आके ये लास्ट रैंप जो आपको दिख रहा है ये लास्ट रैंप भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इतना काम बचा नहीं है कुछ रैंप का, बस वहाँ पे ब्लैक टॉप करना है, थोड़ा सा और लेवलिंग होगा उसके बाद उसको ब्लैक टॉप कर देंगे, तो ये वाला काम भी कंप्लीट होकर जुड़ जाएगा। ये रैंप ऑलरेडी बन गया है, यहाँ पे ज़्यादा काम अब कुछ बचा नहीं है। और यहीं से अगर आप आगे जाते हैं तो आप मानेसर की तरफ चले जाएंगे। इंडिया का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट है इसी रोड में आगे आता है। ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये ब्लैक टॉप करके ये पूरा सेक्शन जो पैकेज 4 का आपको दिख रहा है इस साइड का, ये 10 फरवरी 2023 तक कम्प्लीटली फंक्शनल कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दूसरी तरफ मुड़ के दिखाऊँ, अपोजिट साइड मोड़ के दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, तो राइट हैंड साइड में अब मेरे सेक्टर 84 है, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि बीच में लैम्प पोस्ट ये सब भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे जो रैंप का काम है उसमें लेवलिंग कर दिया गया, और वहाँ पे भी ब्लैक टॉप के काम को शुरू किया जा रहा है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ अंडरपास की तरफ, तो अंडरपास में जो भी चीज़ें पेंडिंग थी उन पेंडिंग चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है, और होपफुली आप मान कर चलिए कि ये जो अंडरपास है इसको ट्रायल रन के लिए जनवरी 2023 में ओपन कर देंगे। यहाँ पे इस सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो इस सेक्शन में जो ऊपर में स्ट्रक्चर्स लगने हैं वो स्ट्रक्चर को लगाने वाला काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। और यहाँ देखिए आप, तो मटेरियल जाके रखा हुआ है, इसमें ब्लैक टॉप भी करेंगे लेवलिंग करने के बाद। बीच में ये मीडियन है, अगर आप NH 48 की तरफ से आ रहे हैं तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वहाँ से आप बाहर आएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, और अगर आप क्लोवर लीफ की तरफ जा रहे हैं या NH 8 की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन से जाएंगे। अब यहाँ अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो बीच में देखिए मीडियन को बनाया जा रहा है, कंक्रीट किया जा रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में जो रिटेनिंग वॉल्स है उसका काम ऑलमोस्ट हो गया है। उसमें अभी छोटे छोटे पिलर्स लगेंगे जिसके ऊपर फ्रेम्स लगाकर फिर इसको ऊपर से रूफ लगाया जाएगा, और यहीं से फिर आप बाहर जाएंगे। अभी जो है नेक्स्ट 10 डेज़ ये इसमें क्लीनिंग का काम चल रहा है, इसमें जो भी आपको मिट्टी विट्टी ये सब दिख रही है इसको क्लीन करके इसको साफ़ कर रहे हैं, तो क्लीनिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ कि कोई बीच में वायर ना हो, क्योंकि मुझे वायर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से मैं वापस ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ आता हूँ। यहाँ पे जो भी यूटिलिटी शिफ्टिंग ये सब के काम पेंडिंग थे वो सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया, अब कुछ यूटिलिटी शिफ्टिंग ये सब का काम बचा हुआ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सा यहाँ पे एक राउंड अबाउट है, ये देखिए, और यहाँ से अगर आप लेफ्ट चले जाते हैं इस डायरेक्शन में नीचे सरफेस रोड से, तो आप यहाँ से पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन से होते हुए आप चाहें तो सरफेस रोड से जा सकते हैं, या आप सर्विस फ्लाईओवर से पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन को क्रॉस करके दिल्ली की तरफ मूव कर सकते हैं, या दिल्ली के सेक्टर्स जो हैं द्वारका एक्सप्रेस वाले जो दिल्ली से ज़्यादा करीब हैं उसके तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था कि सिर्फ यहाँ पे एक स्पैन है जो बचा हुआ है जिसपे जो काम है वो नेक्स्ट 10 डेज़ में ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जो वर्चुअल ड्राइव है ट्रम्पेट फ्लाईओवर का वो कैसा लगा, और विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छा काम करते रहें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।